नमस्कार। कलम के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है। कलम एक नवीन प्रयास है प्रभा खेतान फाउंडेशन का, हिंदी भाषाओं को एक मंच देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। प्रभा खेतान फाउंडेशन और वी केयर की ओर से मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगी कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री सिमेंस को, कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर को और कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल जयपुर मैरियट को। कलम की इस कड़ी में जिनका नाम हमारे साथ जुड़ा है वे है श्री सत्य व्यास जी। सत्य व्यास जी लेखकों की वर्तमान पीढ़ी से हैं और नई पाली हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं। माफ कीजिएगा, सत्य का पहला उपन्यास बनारस टॉकीज एक बेस्ट सेलर है जिसके पिछले 2 सालों में 10 संस्करण और कई रीप्रिंट आ चुके हैं। कई फोरम्स के लिए ये नंबर 1 रहे हैं। दिल्ली दरबार आपका दूसरा उपन्यास है जिसे 2017 में कई पुरस्कार मिले। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर हेमंत आचार्य जो कि थिएटर लेखन और एंकरिंग के क्षेत्र में सक्रिय है। आपने सोशल साइंस में PhD किया है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के साथ साथ फाइन आर्ट्स में भी आपने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। स्वागत है आप दोनों का, स्वागत है आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना जी। जिस शख्सियत से आज हम मिलने जा रहे हैं, सत्या व्यास, व्यास परंपरा की लेखन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी बातचीत में बता रहे थे कि राजस्थान वाले इसलिए बुला लेते हैं कि मेरे नाम में व्यास है। हम तो वैसे भी प्यार से बुलाते हैं, पधारो हमारे देश और सबका स्वागत करते हैं उसी प्यार से, उसी अंदाज के साथ में जिस तरह से हम आज आपका स्वागत कर रहे हैं। काशी की बात आपने करी है और जयपुर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। हम छोटी काशी में आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्या उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने लेखन के अंदाज को बदला है, पढ़ने के अंदाज को बदला है। ये वो पीढ़ी है जो रेड लाइट पे भी 2 मिनट के लिए रुकना नहीं चाहती, व्हाट्सएप का मैसेज बिना पढ़े फॉरवर्ड करती है। उस पीढ़ी को एक नॉवल पढ़ाने के लिए मजबूर कर देना सत्या के ही बस की बात है। हालांकि शुरुआत प्रेम में डूबकर होती है और अगर प्रेम नहीं होता तो बहुत सारी रचनाएं नहीं होती और ये भी यहाँ नहीं होते और मैं भी यहाँ नहीं। तो इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। तो सत्या ने पढ़ने लिखने के दौरान, तो पढ़ने लिखने भी क्या गया, जो दिखा वो पढ़ डाला। किसी ने कह दिया पढ़ने लिखने अच्छी बात है तो भाई जहाँ गए वहीं रहने, लॉ से लेके मैनेजमेंट से लेके कॉमर्स से लेके मतलब क्या नहीं पढ़ा आपने, और सब पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि एक ही चीज पढ़नी थी, इश्क। और वो जब इश्क हुआ तो ऐसा हुआ कि वो आज हम सब के सामने अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। कविताएं और गजल प्रेमिका की खिड़की से झांकने के बराबर आप उसे समझते हैं। बहुत ही खूबसूरत शेर है आपका कि कुछ इस तरह से दफन हम तुम्हारी याद, कुछ इस तरह से दफन हम तुम्हारी याद करें, मकान खुद को करें, तुम्हें बुनियाद करें। अच्छाइयाँ हर वक्त की अच्छी नहीं है दोस्त, अच्छाइयाँ हर वक्त की अच्छी नहीं है दोस्त, चलो कि इश्क में खुद को बर्बाद करें, चलो कि इश्क में खुद को बर्बाद करें। तो हम उस कवि के हृदय को जागृत कर रहे हैं जो इश्क में खुद को बर्बाद करने चला है, खुद को मकान उसे बुनियाद करने चला है। कुछ याद आता है, कलमकार हैं इनकी कलम का जादू चलता, भैया थोड़ी आवाज भी दे दे, आज हम सुनना भी चाहते हैं, पढ़ तो हम घर जाके लेंगे। खिड़की की बात की आपने, मुझे याद आ गया दो लाइन सुना दो। बंद रहती है वो खिड़की कि जिससे चांद तकता था, वो जिसको देखने भर से हमारा दिन महकता। हाँ, क्या तो शुरुआत करते हैं ऐसे ही आपने कहा इश्क के बाद, तो कहानीकारों के की शुरुआत ऐसी ही होती है। अगर वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बचपन से लिखता था यार, लिखना जो है वो मैंने शुरू कर दिया था बिना कुछ सोचे समझे, तो मेरे ख्याल से झूठ कहता है वो। कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटती हैं और वो प्रेरित करती हैं आपको लिखनी की तरफ। मुझसे लोग कहते हैं कि आप हंसा बहुत अच्छा लेते हैं, आप जो लिखते हैं वो पढ़ के बड़ी हंसी आती है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि हंसते जेबों में अक्सर गीले रुमाल मिलते हैं। हंसते जेबों में
जेबों में अक्सर गीले रुमाल मिलते हैं। मैं अक्सर चेहरे पे चेहरे लगा लेता हूँ, तुम्हें देखता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ, तुम्हें देखता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ। आपने शुरुआत जो की वो गजल और कविता से करी, लेकिन जो शिफ्ट है इसके अंदर वो बड़ा गहरा है, क्योंकि आपने गद्य की तरफ जो रास्ता अपनाया है, जहाँ पर कहने एक शिफ्ट है, उसका अपना एक विन्यास है, उसे वक्त चाहिए और उसे विस्तार चाहिए। तो ये जो गजल और यहाँ जहाँ हम एक पन्ने में कुछ अंतरों में अपनी बात कह देते थे, और वहाँ से आपने एक रास्ता चुना जो कठिन है, क्योंकि नॉवल लुप्त प्राय है, नॉवल को पढ़ना मुश्किल है। मुश्किल का मतलब कि उतना वक्त आज की पीढ़ी के पास नहीं है। क्या था जो आपको नॉवल की तरफ ले गया, या एक घटनाएं थी जिसको आपने ताने बाने में पुनः शुरू किया और वो एक नॉवल बन गया? हेमंत, शुरुआत तो बिल्कुल ऐसी ही थी कि घटनाएं थी, और क्या करता था कि कुछ ऐसी घटनाएं होती थी हॉस्टल लाइफ में, सबके साथ हुई हैं, होती रहती हैं, कि जो लगता है कि ये बिल्कुल मेरी कहानी है, मेरे साथ ही हुई है। लिखने के बाद और एक उम्र के अनुभव के बाद लगता है कि नहीं, ये मेरी कहानी नहीं है, तो सबकी कहानी ऐसी होती है। तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बड़ा ही कुछ यूनिक मेरे साथ घट रहा है, जो मुझे नोट कर लेना चाहिए। तो मैं उसको नोट करता गया। अच्छी बात यही रही, मैं नए मतलब नवांकुरों से या नए लेखकों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो डायरी नोट करने की आदत डालिए। अगर डायरी नहीं है तो आप मोबाइल पर ही नोट करें, नोट जरूर करें, क्योंकि आइडियाज बहुत स्लिपरी होते हैं, आज आपके दिमाग में आए शाम तक निकल जाएंगे। तो मैं नोट किया करता हूँ। नोट करते करते कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उन चीज़ों को कभी दोस्त मित्र यारों को भेज दी कि आप पढ़ के देखो। अब चूंकि वो कहानी भी उन्हीं की थी, उन्हें बड़ा मजा आता था पढ़ सुन के, उन्हें लगता था कि हम कैरेक्टर हो रहे हैं, तो वो कहा करते थे बहुत अच्छा लिख दिया आपने। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनमें से एक दिन भी ऐसा हुआ रहता कि किसी ने कहा होता कि यार ये ठीक नहीं, तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। बड़ा बहुत बड़ा बढ़ावा मिला, मैं लिखता गया। लिखने के बाद अचानक ही ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे लगा कि ये कहानी बन रही है, ऐसा नहीं है कि केवल डायरी है या ऐसा कुछ है, ये कहानी बन रही है। मीन भाई, आप लोगों को ध्यान हो अगर, तो 2005 में संकट मोचन बनारस मंदिर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, विस्फोट हुआ था, तो उस समय मैं वहाँ छात्र ही था। तो उसके भी कुछ सूत्र मिले जिससे मुझे लगा कि इस कहानी में विरोध हो तो एक कहानी बन सकती है। मैंने उसको विरोध की कहानी बनाई और फिर मुझे लगा कि ये मुकम्मल नॉवल हो रहा है। आपने जो कहा कि गजल गीतों में जो बातें रख सकते हैं, इसकी बात गजल गीत में इसलिए भी नहीं रखी जा सकती थी कि ये विस्तार चाहता है। ये मतलब मैं इसको 5 अशार में 6 अशार में रख नहीं सकता था इसे। तो मैंने इसको फिर कहानी की तरह कहने शुरू की और फिर बिल्कुल पिछले 5 सालों में बनारस को दो ही लोगों ने चर्चा का विषय बनाया है, एक जो वहाँ बैठकर मन की बात कर रहे हैं और एक जो यहाँ बैठकर जन जन की बात कर रहे हैं। तो बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। बड़ी खूबसूरती से आपने लोकोक्तियों का और मुहावरों का प्रयोग इसके अंदर किया है, और इस तरह की चुटीली भाषा, एक लफंदरों की भाषा, एक प्यार की भाषा, एक भाषा का जो एक निहंगपन है, एक ठेठ जो भाषा है, देसी भाषा, जिसको आप कह सकते हैं कि एक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आप लाना भूल गए हैं, दस्तावेज पूरे आपको जमा करवाने हैं, और वहाँ आपको अपना सीनियर मिल जाता है और वो आपका सर्टिफिकेट बनाने की बात करता है। लेकिन वो मुश्किल स्थिति की जब आप अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट नहीं लाए हैं और आपको वो बनवाना है कि सैलरी सर्टिफिकेट तो चाहिए, और तब आप लिखते हैं कि यहाँ इस नए शहर में बाप ढूंढना वैसा ही है जैसा कनाडा में केदार पान भंडार को ढूंढना। तो ये जो खूबसूरती है कि किस तरह से आपने उस परेशानी को एक खूबसूरत शब्दों में जो ढूंढा है, ये जो भाषा का देसी बन गया, इसे आपने कैसे मेंटेन किया पूरे इस फॉर्म को, इस नॉवल? दो चीज़ें थी, एक तो ये था कि हमारा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पूरा वातावरण है ना, उसमें आपको निहंगपन मिल जाएगा। थोड़ा सा बनारस से अलग वो है, लेकिन चूंकि बनारस में ही है तो भाषा है, संस्कार है, सब चीज़ों का समावेश वहाँ हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी किरदार थे जो अपनी बातें ही कंप्लीट करते थे वो कहावतों से, ठीक है ना, वो बातें और उनसे आप सवाल कर दीजिए वो आपको कहावत दे देंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि इसका जवाब क्या है। तो एक तो ये बात थी, दूसरी बात ये थी कि मैं जो पढ़ता आ रहा था ना, मैं ये देख रहा था कि कहावतें गायब हो रही हैं किताबों से। पिछले 8-1 सालों में मुझे लगता है, ये 2014 में आई, मुझे लगता है 2000 के बाद से कहावत कोश हमने देखे होंगे, लेकिन किसी किताब या किसी कहानी में ऐसी कहावतें लोकोक्तियाँ जो हैं जो हम बोलते रहते हैं वो नहीं आई। तो मेरे दिमाग में ये इंटेंशनली था
कि मैं अगर रखूंगा तो ऐसी कहावतें जरूर रहें जो हमारी भाषा में हैं, या अगर भाषा से निकल भी गई हैं तो उनका मीनिंग जो है, उनकी मीनिंग जो है वो लोगों को समझ में आए। तो ये सोच के, यही धारणा रख के फिर किताब में एक कैरेक्टर को मैंने इस तरह कर दिया कि वो अपनी बातें जो है वो कम्प्लीट लोकोक्तियों कहावतों से ही करेगा, लोगों ने पसंद भी किया। बहुत 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 सही कहा आपने कि जिस तरह से ये लुप्त हो रही है भाषा के साथ, क्योंकि न तो वो कहावतें कहने वाले लोग बचे हैं, न उसका इस्तेमाल करने वाले लोग बचे हैं, लेकिन आपने जिस खूबसूरती से हर तीसरे चौथे पन्ने पर एक संवाद के जरिए उस कहावत के अर्थ को और उस कहावत के महत्व को आपने जिस तरीके से दर्शाया है, मुझे याद पड़ता है कि जब मैं भी कुछ इस तरह की कविताएं लिख लेता था और लिख देता हूँ, और उधर से ये कहा जाता था कि चूमा जाएगा, और दिल खुश हो जाता था कि यार बड़ी अच्छी बात लिखी है, इस चक्कर में 5-7 और लिख देता, चूमा जाएगा या नहीं जाएगा ये तो बात की बात है और राज की बात है, लेकिन इस चक्कर में लिख देता था। लेकिन यकीन मानिए ना, जब आप इस नॉवल को पढ़ेंगे, बनारस टॉकीज को पढ़ेंगे, तो हर तीसरे चौथे के पन्ने के पढ़ने के बाद आपके दिल में भी यही आएगा कि चूमा जाएगा। किस तरह से, मतलब जब मुझे ऐसा लग रहा है, तो जब देश भर में आप इसको लेकर जा रहे हैं, जगह जगह इसकी तारीफ हो रही है, बेस्ट सेलर में ये चल रहा है, पिछले 3 सालों से जागरण नीत संघ का जो सर्वे है वो लगातार इसे पहले पायदान पर रखे हुए है, तो जहाँ हिंदी साहित्य के प्रति लोगों का रुझान कम हो रहा है, वहाँ आपका एक नॉवल जो कहीं से नहीं है, क्योंकि आप उस साहित्यिक परंपरा से नहीं है, आप उस साहित्यिक स्कूल से नहीं है जहाँ पर लोग गुरु शिष्य परंपरा से निकल कर आ रहे हैं, या वो इस धारा से जुड़े हुए हैं, इस धारा से अलग एक व्यक्ति निकल कर आता है, अपनी पहचान बनाता है, जागरण नीलसन के सर्वे में वो टॉप लिस्ट में स्टैंड करता है और लगातार अपनी जगह बनाए हुए है, और उसके बाद आपका दूसरा नॉवल आता है दिल्ली दरबार, और उसके बाद घोषणावती के तीसरा नॉवल 84 लिखा जाता है, तो ये जो धारा है इसमें आप अपने आप कैसे बनाए रखेगा? पहले बात की शुरुआत करूँ, मुझे लगता है कि इतना प्यार और इतना सम्मान तो यहाँ मुझे पहली बार मिल रहा है, बाकी जगहों पर आलोचनाएं भी होती हैं, लोग कुछ बातों पर खींच लेते हैं, जैसे कि उसमें मैंने इंग्लिश के शब्द यूज़ किए हैं, तो बातें ऐसी आ जाती हैं कि आप हिंदी बिगाड़ रहे हैं, तो इसका जवाब भी देना पड़ता है। कभी कभी ऐसी भी बातें होती हैं कि आपने इसमें, आप अश्लील हैं, आपने इसमें कुछ गालियाँ भी डाल दी, उसका भी जवाब देना पड़ता है। और फिर जहाँ तक ये आता है कि आप किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए, हिंदी का पाठक ही लुप्त हो गया है, हिंदी पठन पाठन की जो एक परंपरा ना, तो ये बिल्कुल खत्म हो गई है, वो हम खुद ही नहीं देख पाते अपने। मैं बता रहा था कल अजमेर में भी यही बात की, आधा गांव, एक किताब है मेरी बड़ी पसंदीदा किताब है, मैंने अपने भांजे को दी थी पढ़ने के लिए, उसने उसका वजन देखा और बोला मामा जी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि एक जनरेशन जो है जिसकी भाषा हिंदी है, ऐसा नहीं है कि उसकी भाषा हिंदी नहीं है, वो केवल इसलिए कि उसका वजन ज्यादा है वो शुरू ही नहीं कर रहा है, प्रारंभ नहीं लिखा। ओलंपिक सीरीज पढ़ के पास होता है, हाँ यही बात है, वो ट्विटर पे जो पासबुक भी खरीदते हैं तो उसके पीछे परीक्षा से पूर्व दोहराने वाले महत्वपूर्ण बिंदु गुलाबी पन्ने पढ़ के हम एग्जाम देने जाते हैं और लिखते वही है, पूछ ले कुछ भी लिखेंगे वही जो हमें, परंतु चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या फर्क है? चक्रवात वो है जिसमें प्रति चक्रवात नहीं है, लेकिन चक्रवात जो है प्रति चक्रवात से बिल्कुल है अलग है, क्योंकि किंतु परंतु लगा के हम उस पूरा चक्रवात और प्रति चक्रवात समझा देते, लेकिन हमें नहीं पता कि चक्रवात आता कब और प्रति चक्रवात होता कब। ये वो पीढ़ी है, यही बात मैं आपसे पूछ रहा था कि जो लोकप्रियता मिल रही है, कि पाठक कहाँ से आ रहे हैं और किस परंपरा? हाँ वही मैं बताना चाहता, मेरे पाठक जो है, अगर मैं मतलब शेयर वाइज बताऊँ तो मैं बता पाऊंगा कि बड़े नए लड़के हैं, नए लोग हैं। नए लोगों का कहने का मतलब ये नहीं कि नई उम्र के लोग, नए लोगों का कहने का मतलब ये कि जो जिनकी पहली किताब ही बनाना शौकीज है, हाँ जिनकी पहली किताब ही बनाना शौकीज है, वो जुड़ रहे हैं इस चीज से, और इसका कारण यही है कि ये कहानी जो है ना उन्हें अपने आसपास की लगती है, उन्हें अपनी लगती है। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं कि सर ये सूरज है, अच्छा 2-3 सवाल मेरे पास आते हैं कि सर सूरज और शिखा की शादी हुई, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है, पूछते हैं लोग, और सबको लगता है कि सर ये तो मेरी ही कहानी है, आपने कैसे लिख दी इस तरह। लोकप्रियता इसीलिए मुझे लग रहा है किताब लोकप्रिय हो रही है कि उनकी भाषा की किताब है, वो अपने आप को इसे जोड़ पाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो इसको एक फ्लो में पढ़ते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, मगर कोई मतलब वुड भी लेखक पूछता है कि सर कैसे लिखा जाए, मेरे कहने का मतलब ये रहता है कि आप ऐसे लिखें, पहली बात ये कि आप
अपने पाठक को जो है ना मजबूर करें कि वो अगला अगले पन्ने पर जाए। आप अपने पाठक को मजबूर करें कि वो आधे घंटे के लिए अपना डिनर रोक दे। आप इस बात के लिए मजबूर करें कि नहीं, 10 पन्ने बच गए हैं ना, मैं इसको पढ़ने के बाद ही खाऊंगा। तो इस तरह का लेखन अगर होगा, मैंने ये नहीं कह रहा कि इसी किताब की बात, इस तरह का लेखन अगर होगा जो जिसको पाठक अपने साथ लेके चल सकेंगे, तो वो जरूर लोकप्रिय होगा किताब में, और भी लोकप्रिय हो ही नहीं है। याद पड़ता है कि बिस्मिल्लाह खान साहब ने एक बार कहा था कि मैं हिंदुस्तान से बाहर होता हूँ तो मुझे हर जगह हिंदुस्तान दिखाई देता है, और मैं हिंदुस्तान में होता हूँ मुझे हर शहर बनारस दिखाई देता है। कुछ खूबसूरती है कि बनारस ने उन्हें सुर दिए, लेकिन गंगा ने उस सुर को लय दी, वो लय यहाँ नजर आती है। जिस खूबसूरती से आपने इसमें लिखा है, तो कुछ और बातें करते हैं कि किस तरह से ये लय आगे बढ़ती है, और आप इसमें जो घटनाओं का ताना बाना बनते हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, चाहे वो रेड लाइट एरिया की बात हो, जो घटनाएं आपने जिस तरह से बुनी है इसके भीतर, वो एक शुरुआत से उन कैरेक्टर्स को लेकर चलती है, लेकिन एक डेफिनेट एंड की तरफ वो चलती है। तो सस्पेंस, थ्रिलर, लव स्टोरी, फिक्शन, कोलाज आपने एक बनाया है, तो इसका विस्तार जो आपने दिया है, ये वक्त मांगता था, कैसे आपने इसको प्रिपेयर किया? मैं जी ये बताना चाहूँगा कि 2006 में मैंने पीएचडी छोड़ दी थी, पास आउट हो गया वहाँ से, और ये किताब मैंने 2008 से लिखनी शुरू की और 13 में कंप्लीट की। मुझे लगता है कि 5 साल का पूरा वक्त लगा हुआ इसको लिखने में। इन सालों में ना, वो जो मेरे भीतर का खिलंदड़ापन था, वो चूँकि ख़त्म होके और अपनी ज़िंदगी की जो सच्चाइयों से रूबरू हो रहा था, तो मेरे अपने जीवन में ठहरा आ रहा था। मैं अब थोड़ा ब्रोड होकर सोच पा रहा था, जो कि मैं तब नहीं सोच रहा था जब मैं पढ़ता था। इन्हीं दिनों में एक बात हुई कि मेरा भांजा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको उसका सिम घूम गया, ठीक है, सिम जब घूम गया तो उसने मुझसे बात की। मैंने कहा फोन क्यों उठा रहे हो? उसने बताया मेरा सिम घूम गया। तो मैंने उसको कहा कि अरे सिम घूम गया तुम्हारा, तुम ऐसे बोल रहे हो सिम घूम गया, जाके रिपोर्ट कराओ। तो मुझे क्या मामाजी, छोटे से सिम की रिपोर्ट करानी है? घूम गया, घूम गया। मैं उससे फिर जरा नहीं कर पाया, मैंने बात छोड़ दी। मुझे ये समझ में आया कि जिस उम्र में मैं 10 साल पहले था, आज उस उम्र में वो है, ठीक है, जो आज मुझे गलतियां लग रही हैं उसे वो कुछ नहीं लग रहा, बिल्कुल। अब इस 10 साल के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि इस सिम का कितना दुरुपयोग हो सकता है, वो ये बात इस उम्र में नहीं सोच रहा। एक आइडेंटिटी कार्ड जो हमारा हॉस्टल में खेलते कूदते गुम हो जाता था या गुम हो गया होगा, उसका कितना दुरुपयोग हो सकता है, ये मैं 10 साल बाद सोच पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। तो ये जो समय मिला ना मुझे, इसमें मैंने अपने हॉस्टल की कहानियों में एक थोड़ा जो एक मैच्योर जो सोच होगी उसको जोड़ने की कोशिश की कि कैसे ये छोटी छोटी गलतियां जिसे हम अपने खिलंदड़ेपन में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसका कितना बुरा असर पड़ सकता है एक इंसान की लाइफ में। यही मैसेज भी है इसका कि जिंदगी जो है मजा है, बट मजा ही नहीं है। आपको जिंदगी मजा है, बिल्कुल। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीजें जो गलतियां नजरअंदाज कर रहे हैं उसके कितने बड़े बड़े अफेक्ट हो सकते हैं। तो यही चीजें हैं जो मिलता गया, कहानियां मिलती गई समय के साथ। कहानी लिखने के लिए मुझे इसमें काफी समय मिला। मुझे याद है कि 2013 में मैंने पहला ड्राफ्ट खत्म किया और 2014 में इसमें कुछ मैंने चेंजेस किए। मैं आपको बताऊं, इसमें एक रैगिंग का एपिसोड है, रैगिंग का एपिसोड बड़ा मजेदार है, आपने पढ़ा होगा, बड़े मसूम है रैगिंग के। जी हां, वो बिल्कुल वो प्रॉपर्ली जो है फिक्शन है, क्योंकि बना बीएचयू में रैगिंग का कल्चर नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये कल्चर तो कहीं भी नहीं होता है, ये राज की बातें हैं क्या? तो मतलब ये जो है ये घटनाएं नहीं हुई, ये मुझे लिखना पड़ा था। तो ये चीजें जुड़ती गई बाद में, और एक समय मिला मुझे इस किताब को लिखने। मुझे लगता है कि मुझे समय मिला ना एक किताब को लिखने के लिए, वो वही इसकी विशेषता है, वो आती गई किताब में। और जो बात आपने शुरू में कही थी कि यार अशोक अग्रवाल ने आपने कहा कि तुमने मुझे अपनी जवानी याद दिला दी, तो वो जो जवानी का सिलसिला है पूरे नॉवल में आपने उसे बड़ी शिद्दत के साथ उसे मेंटेन किया है, और जो ताजगी है हर पन्ने पर उतनी ही ताजगी है, क्योंकि हर पन्ना पलटते वक्त ये लगता है अगले पन्ने पर क्या हो। आप ट्रेवल कराता है ये नॉवल, उस तरह का है जो आपको ट्रेवल कराता है और अगला पन्ना पढ़ने के लिए मजबूर करता है कि नहीं यार इसके आगे का पन्ना पढ़ना है। तो एडिटिंग जो आप कह रहे हैं कि 2013 में आपने इसे लिख दिया, पढ़ते रहे,
किस तरह से उसे एडिट किया, कौन सी ऐसी चीजें थी जो एलिमिनेट करने की आपको जरूरत पड़ी? सबसे जरूरी चीज तो ये है कि जब मैं लिख रहा था पहला ड्राफ्ट, तभी मेरे दिमाग में ये था कि मुझे खुद को ही पढ़ना है, मैं पहला पार्ट था पुलिस का। तो अगर किसी भी वाक्य में ऐसा मुझे लग रहा है कि इस वाक्य के बिना भी काम चल जाएगा तो मैं वो नहीं रखूंगा। मैं मेरी कोशिश ये है कि मैं वही रखूंगा जो जरूरी है इसमें। अब तक हम बात कर रहे थे, आप मुलाकात कर रहे थे, आइए आप और हम बात करते हैं सत्य व्यास से। निश्चित तौर से आप लोगों के जहन में भी इतनी देर में सवाल उठे होंगे। माइक नीता जी सवाल पूछ रही हैं, उनके माइक पहुंचा दीजिए। सत्य, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये सच है कि अगर हम एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक जाते हैं तो कानों में कुछ ना कुछ गाली सुनाई देती है, लेकिन क्या ये आवश्यक है एक लेखक के लिए, एक नॉवलिस्ट के लिए, कि गालियों का प्रयोग किया जाए? क्या उसके बिना जो रोचकता है और जो रुचिकरता है, जो 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 रुचिकर बातें जो बनाती हैं आपके नॉवल को, क्या उन्हें बहुत ज़्यादा घटा और घटाना और बढ़ाना हो सकता है? क्योंकि ये चीज़ मुझे थोड़ा सा परेशान करती है, क्योंकि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और हमारे परिवार में पढ़ें, और आप ही अपने पिताजी को नहीं पढ़ने दे रहे थे, शायद उसका एक कारण ये भी रहा होगा कि गालियों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। मुझे लगता है कि मैं इसमें आपसे इस सवाल के जवाब के आ जाते हैं डॉक्टर रही मसूद अजम, वो मुझे बचा लेते हैं इस सवाल पर। मैं बताना चाहूँगा आपको कि उनकी किताब थी, अभी मैंने बताया आधा गाँव, उसमें आधा गाँव में आधी गालियाँ ही हैं। उनसे कहा गया कभी किसी किताब के आ जाने के बाद कि अगर इसमें गालियां नहीं होती ना तो तुम साहित्य अकादमी का हकदार थे, ठीक है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, अगर मैं पुरस्कार के लिए लिखता तो मैं गालियां बिल्कुल नहीं लिखता। मेरे किरदार अगर गालियां देते हैं तो मैं गीता के श्लोक कैसे लिखूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कर सकता था कि वह गालियों की जगह डॉट 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 दे दूं, ठीक है? फिर तो इंसान अपनी मर्जी से गालियां भर लेगा उसमें, ठीक है ना? तो वो मेरे लिए जो है ना ज्यादा खतरनाक होगा लिखने के लिए। इन सारी बातों का मतलब यह नहीं है कि मैं गालियों को प्रश्रय दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं। साहित्य में गालियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां कहानियां ऐसी होती हैं जो संवादात्मक चलती हैं, ठीक है ना, जहां संवाद में बातें हो रही हैं, वहां पे वो बातें निकल के, मैंने कई दफा कोशिश की इस चीज को कि नहीं, यहां पे ये नहीं रखते, देखते हैं क्या होता है। वो भाव नहीं आता, वो मूल नहीं आता। जहाँ पे कोई किसी को डांट रहा है ना, बोल रहा है, वहाँ पे मित्र करके बात करता है, नहीं, ये चीज़, ये बात है। दूसरी बात है कि ये केवल राही मसूद अजम की बात नहीं है, ये सवाल मुझसे इतनी दफा हो चुके हैं कि मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि किसने किसने किस किस साहित्यकार ने किस किस उपन्यास में किस किस कहानी में दी है, ठीक है? तो जब भी सवाल होता है तो मैं ये बता देता हूँ कि ऐसी बात है। बिल्कुल कहना आपका सही है कि साहित्य में जहां तक जरूरी ना हो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आपके पिताजी का एक वाक्य आपने कहा कि इस पुस्तक में काशीनाथ सिंह और चेतन भगत को घोंट कर ये उनका एक अपना विचार। जी जी। आपने इतनी बातें जो भी चर्चा में की, क्या उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमको पाठक वर्ग बनाना है तो उसकी लोकप्रियता बनानी है तो इसी तरह के साहित्य से हम आगे बढ़ सकते हैं, वो घोटा हुआ साहित्य ही, क्या इस आज की चर्चा का ये निष्कर्ष निकाल रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताऊँ आपको, जिन्होंने 2014 या 2015 में बनारस टॉकीज पढ़ी होगी और आज वो मुझसे कहते हैं कि सर आप किस लोअर नीचे दर्जे की कहानियां लिखते हैं, आपने कभी उदय प्रकाश का पढ़ा है? मुझसे कहते हैं, ठीक है ना? मेरा कहना यह है कि ये सर एक सीढ़ी है, जिन्होंने जिसने उनको आदत लगाई कि आप पढ़ना तो शुरू करें, आप ये किताब उठाएं। जैसे इन्होंने बताया कि जब पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते ही जाते हैं, नशा है। जहाँ इस बात को मानेंगे कि जो पठन पाठन है वो एक नशा है, अगर आप पढ़ने लगेंगे ना आप इसके बाद किताबें ढूंढेंगे, इस तरह की किताब मिलेगी नहीं।
आप देखेंगे किसको पढ़े, हो सकता है कि उन्होंने देखा सत्यव्यास, उसके नीचे कहीं आ रहा था और कोई नाम। मैंने उनसे कहा कि आपने इसको पढ़ने से पहले किसको किसको पढ़ा था, बोला किसी को नहीं पढ़ा था सर, किसी ने बताया कि राम सजीवन की प्रेम कहानी पढ़ी, मैंने उठाई उसको और पढ़ा। अब वो क्या लिखते हैं सर, वो एक प्रेम कहानी लिख रहे हैं, एक आप प्रेम कहानी लिख रहे हैं, कहीं है ही नहीं। तो मुझे खुशी होती है इस बात से कि ये एक कम से कम हमारा आज का एक सीढ़ी का काम कर रहा है, जिसमें लोग इसको पढ़ते हुए उदय प्रकाश सर तक जा रहे हैं, मुक्ति बोध तक जा रहे हैं, उसके बाद आपको क्या कहते हैं कृष्ण चंद्र तक। एक ने कहा कि सर आपके पास कृष्ण चंद्र की किताब है, और मैं आपको बताऊं कृष्ण चंद्र की पेशावर एक्सप्रेस के अलावा मैंने कोई कहानी नहीं पढ़ी। मुझे इतनी खुशी हुई कि वो लड़का घूमते हुए कृष्ण चंद्र तक जा रहा है। तो अच्छी बात यह, मेरा ये कहना है कि लोकप्रियता केवल यह हो कि वो लड़का हिंदी की तरफ मुड़े। हो सकता है कि कल के डेट में या 5 साल बाद नहीं ऐसी कहानी नहीं लिखूं, हो सकता है कि मुझमें ऐसी मैच्योरिटी है, मुझमें ऐसा है कि आप कहें कि नहीं अब आप जो है अच्छी कहानियां है, उस दर्जे की कहानियां लिख रहे हैं। उस संदर्भ में आपकी जो आगामी पुस्तक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ उसको, उसके बारे में 84 जो है वो इस तरह की कहानी है जो इस तरह के खिलंदड़ेपन से बिल्कुल अलग है। सिख 84 का सिख दंगा आप सब जानते होंगे, उसके बारे में हमेशा ये बात कही गई कि कितने सिख या इस तरह के सिख मारे गए, सच्चाई थी, एक सच्चाई और भी थी। उस दौरान जिनसे जितना हो सका सिख बचाए भी गए, चाहे एक ही बचाए गए, दो बचाए गए, एक परिवार बचाया गया, सिख बचाया गया। उसकी कहानियां जो है मैंने नहीं पढ़ी, कल मैं अजमेर में कह रहा था कि उसकी कहानियां लिखी नहीं गई, किसी ने मुझे बताया कि एक आध कहानियां लिखी गई हैं, तो मैं अब कहता हूँ कि उसकी कहानियां मैंने नहीं पढ़ी। मेरी सोच यह है कि कहानी मैं इस तरह 84 की कहानी इस तरह की लिखूं कि जो थोड़ा सा गंभीर लेखन में जो आता है ना, क्योंकि मुझे खुद को भी टेस्ट करना है कि क्या ये खिलंदड़ापन ही मैं लिख पा रहा हूँ या यही मेरा फोर्टे है, इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए जो मैंने वो कहानी लिखी है और मुझे लगता है कि वो भी पाठकों को पसंद आएगी। शैलजा जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आकर सत्य व्यास जी को एक मोमेंटो दे। प्रीति जी मेहता और साथ में सुषमा सीतिया जी, मैं आप दोनों को आवाज़ लगाऊंगी कि आप यहाँ पर आकर हमारी ओर से हेमंत जी को थैंक यू दे, एक मोमेंटो प्रदान करें, उनका अभिवादन करें। प्रभाग्यता फाउंडेशन और वी केयर की ओर से पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी कलम के प्रस्तुतकर्ता श्री समेंस को, कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल जयपुर मैरियट को और कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक भास्कर को, आप सभी को इस शाम में उपस्थित होने के लिए। अब आप अपनी कॉपियां लेकर, बनारस टॉकीज की कॉपियां लेकर आप ऑफिस से साइन करवा सकते हैं।